आप एक रॉटवाइलर डॉग खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रॉटवाइलर अगर आप खरीद रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही बताऊंगा रॉटवाइलर का इंडिया में प्राइस क्या है एंड इनको घर में रखने में महीने में कितना खर्चा आ जाता है, ये इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर से दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। रॉटवाइलर एक एग्रेसिव टाइप ब्रीड होती है। ऐसा नहीं कह रहा कि सारे रॉटवाइलर एग्रेसिव होते हैं। अगर आप आपके किसी भी दोस्त को पूछोगे कि मुझे रॉटवाइलर डॉग क्या खरीदना चाहिए तो उनमें से 90% दोस्त आपके यही बोलेंगे कि रॉटवाइलर डॉग मत खरीद, उसके अलावा जर्मन शेफर्ड खरीद या फिर लैब्राडोर खरीद ले, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि रॉटवाइलर अपने मालिक को ही पकड़ लेता है या फिर अगर किसी को पकड़ लेता है तो वो जल्दी से छोड़ेगा नहीं। तो ये सब आपको रॉटवाइलर के बारे में आपको बताया जाता है कि उससे आप जो है डर जाते हो एंड रॉटवाइलर खरीदने के बारे में आपके जो है डिसीजन चेंज होने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रॉटवाइलर को सही तरीके से रखोगे तो उसको जो है आपको ट्रीट करना आसान होगा एंड उसको ट्रेनिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉटवाइलर की लाइफ स्पैन की। तो ये जो है लार्ज साइज डॉग ब्रीड होती है एंड इनकी लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 ईयर्स तक होती है। एवरेज हाइट जो रॉटवाइलर की होती है, मेल की हाइट होती है 61 से लेकर 69 सेंटीमीटर तक एंड फीमेल की हाइट होती है 56 से लेकर 63 सेंटीमीटर तक। एंड एवरेज वेट होता है मेल का 50 से लेकर 60 केजी एंड फीमेल का वेट होता है 35 से लेकर 48 केजी। तो रॉटवाइलर जो है एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। अगर आपके पास बड़ा घर है तो आप रॉटवाइलर को आसानी से रख सकते हो एंड अगर आपके पास मीडियम साइज़ या फिर स्मॉल साइज़ का घर है, अगर आप उसमें रॉटवाइलर को रखते हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये लार्ज साइज डॉग ब्रीड होती है। एंड काफ़ी न्यूज़ आपने देखा होगा कि रॉटवाइलर जो है छोटे छोटे बच्चे अगर उन्हें परेशान करते हैं तो उन्हें ही पकड़ लेता है, वो सब उनके ओनर के लापरवाही का नतीजा होता है। अगर आप आपके रॉटवाइलर को अच्छी तरीके से ट्रेन एंड सोशलाइज करते हो तो एक रॉटवाइलर को आप लैब्राडोर जितना शांत डॉग बना सकते हो। वैसे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आपने रॉटवाइलर डॉग लेने के बारे में सोचा एंड रॉटवाइलर अगर आप फ्यूचर में खरीदते हो तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो कि रॉटवाइलर को हम जो है कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और उस पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं रॉटवाइलर के प्राइस की। तो प्राइस पूरा डिपेंड होता है क्वालिटी पर एंड आप किस जगह से ले रहे हो। अगर आप किसी बड़े शहर से रॉटवाइलर डॉग ले रहे हो तो उनका प्राइस ज़्यादा होगा कंपेयर टू अगर आप किसी लोकल पेट शॉप या फिर किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट से डॉग खरीदते हो। इन एन एवरेज रॉटवाइलर मेल का प्राइस होता है 15 से लेकर 25 हज़ार तक अच्छी क्वालिटी का एंड फीमेल का प्राइस होता है 12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक। तो ये तो था पूरा रॉटवाइलर के बारे में। अगर आप रॉटवाइलर को ट्रेनिंग अच्छे से दोगे एंड अच्छे से उसे संभालोगे तो आप जो है उसे लैब्राडोर जितना शांत डॉग आसानी से बना सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिससे कि आप अपने रॉटवाइलर को ट्रेन कर सकते हो। तो रॉटवाइलर अगर आप खरीद रहे हो तो आपको काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड इनकी मंथली कॉस्ट की बात करें तो इनको जो है महीने से पर मंथ आपको जो है इन पर 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये लार्ज साइज डॉग ब्रीड है एंड कंपेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स इन्हें जो है ज़्यादा खाना चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है और अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।